हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टब। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं APSSB अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन, जो है आपका CGL। इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जनरल नॉलेज हैं जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं अरुणाचल प्रदेश एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग आज बेसिकली वही सब डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल में तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रेगुलर इस पर आप जुड़े रहें और आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके जो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आने वाले हैं जनरल नॉलेज सेक्शन से। 50 तो आपका इंग्लिश रहेगा और 50 आपका GK रहेगा, मैथ्स रहेगा सॉरी, और बाकी GK रहेगा। तो ये आपको कवर करना है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा समय है नहीं। जो एग्ज़ाम है वो डेट देख रहे हैं आप, 18 सितंबर को हो रहा है और ये हो जाएगा। आपके जो गिने चुने सेंटर्स हैं उस पर होगा। बेसिकली इसमें UDC वाले ही पोस्ट ज़्यादा हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर का लेके अलग एग्जामिनेशन बनता है। तो आपको कैसे तैयारी करना है उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाल, ये कुछ जो है जिसमें कि आप जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है और कैसा है अरुणाचल प्रदेश, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सब जानते होंगे जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको तो सब चीज़ पता ही होगा। बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन अरुणाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ के कुछ ट्राइब के बारे में। यहाँ के हम लोग ट्राइब के बारे में देखेंगे जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब पाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ये ट्राइब कहाँ कहाँ हैं और मतलब नॉर्थ ईस्ट के मोस्टली ट्राइब के बारे में पता रहना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं आपका अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब के बारे में। तो यहाँ के मूल निवासी थे उसमें कौन कौन थे, जैसे कि आपका हो गया अपर टिन्स, अबोर, दापला, गालोंग, मोम्बा, ये सब आपके ट्राइब हो गए, ठीक है। और फिर आपका है शेर दुखपेन, सिंगपो, नेमसी, मिशमी, ईडो, तारोन, तागिन, मोनपा, ये आपके ट्राइब हो गए। देखो ये मोनपा ट्राइब है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुके थे कि मोनपा ट्राइब कहाँ का है, ठीक है। और तो ये क्या बोलते हैं आप, ट्राइब के कुछ कुछ नाम हैं जैसे अबोर, दाफला, गालोंग, इसको आप नोट डाउन करेंगे और रिमेम्बर करेंगे कि आपको रोज़ ये याद हो जाए, ठीक है। और इसको कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं बता देता हूँ, जैसे कि इनकी जहाँ की जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वो तवांग में है। तो बेसिकली तवांग और दिबांग ये सब थोड़े से हिली एरियाज़ हैं, बहुत हाइट पे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी मोनेस्ट्री बनी हुई है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में तवांग में है, ठीक है। और हाइएस्ट पीक की बात किया जाएगा तो वो है कांगते। आपसे पूछ सकता है कि हाइएस्ट पीक कौन सा है, तो वो आपका कांगते हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए यहाँ पे, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका अपर दिबांग वैली आ रहा है, ठीक है। अपर दिबांग वैली आ रहा है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। और हम लोग पहले CM की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, वो कौन थे, तो अभी के जो हमारे करंट CM हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रेमा खांडू और उस समय थे प्रेम खांडू थुंगन। तो ये वहाँ के पहले CM थे अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक नाम है यहाँ पे तापी मारा, ये माउंट एवरेस्ट 2009 में, ये पर्सनालिटीज़ वाले क्वेश्चंस में आ गए कि कौन से पर्सनालिटी हैं जो चढ़े थे इन्होंने 2009 में, इन्होंने चढ़ा था माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है अरुणाचल प्रदेश जो PSC है, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, तो APSC जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन था वो कब से स्टार्ट हुआ, मतलब बेसिकली कब से शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपका हुआ है 2009 से। हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है तवांग। ये आपका 2085 मतलब 2085 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका एरिया काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका अपर दिबांग वैली आ रहा है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका तवांग आ रहा है, लेकिन जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वो भी तवांग में ही है। तो हम लोग बात करते हैं कि हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लोगों की जनसंख्या है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपका पड़ता है पापमपारे में, ठीक है। लमसम कितने हैं, 79.95% लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो कहाँ है, कुरमुंग कुमे, इसमें 48.75% लिटरेसी रेट है और आपका पापमपारे में 79.95, ऑलमोस्ट 80% लोग वहाँ के लिटरेट हैं। हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स पे आते हैं और पॉइंट्स जो वन वन लाइनर हैं, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग वन लाइनर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला वन लाइनर यहाँ पे आ रहा है, आई होप सो आपको दिख पा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
ये कुछ कुछ वन लाइनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मतलब कि आपको इसमें से ही क्वेश्चन लमसम ज़्यादा देखेंगे। मेरे को काफ़ी मेहनत लगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी किया, और उसके बाद से भी मैंने अपने कुछ कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको करवा रखा है। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मीनिंग है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो मीनिंग होता है, अरुणाचल प्रदेश का मीनिंग होता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब कि उगता हुआ सूर्य की भूमि को अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश जो वर्ड है ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो लार्जेस्ट स्टेट की बात की जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वन लाइनर की तरफ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,743। ठीक है, ये आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है वन लाइनर, विच कंट्री इज कंपेरेबल विथ द साइज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि कौन सी कंट्री का जो साइज है वो लमसम अप्रोक्सीमेटली अरुणाचल प्रदेश के बराबर है। वो देश का आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश है जो इसके एरिया के लमसम बराबर है, क्योंकि इसका भी 83,879 है इसका एरिया, और हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया 83,743 किलोमीटर है स्क्वायर है। ठीक है, अब अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे इसके। जस्ट हम लोग बाद कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे जो मैंने तैयार किया स्पेशली आपके लिए। होप्स आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल शेयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू इंडिया पूरे टोटल एरिया, मतलब कि कितना क्षेत्रफल का इंडिया का कितना परसेंट हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को शेयर करता है अपना। तो वो लमसम कितना है, इंडिया का 100% में 2.54% का कंट्रीब्यूशन हमारा अरुणाचल प्रदेश दे रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से स्टेट अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो है हमारा असम एंड नागालैंड, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अभी हमारा वन लाइनर है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये भी बनता है, ईटानगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वन लाइनर, आठवां क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री शेयर देयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश। अब बात आ रही है कंट्री की, ना कि स्टेट की, कौन कौन से कंट्री आपका इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो आपके वो कौन कौन से हो गए, वो है आपके भूटान, भूटान, म्यांमार और चाइना। ठीक है, तो ये आपके तीन कंट्री हो गए। भूटान आपका सटा हुआ है वेस्ट से, ठीक है, म्यांमार ईस्ट में, और चाइना नॉर्थ में, ये सटा हुआ है। ऐसे तो अगर नीचे जाएंगे तो बांग्लादेश भी सटा हुआ है, वो आसाम वाले एरियाज में, बट वो प्रॉपर इसे सटा हुआ नहीं है, पास में है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। भूटान, म्यांमार और चाइना होगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं है अरुणाचल के वो बिल्कुल विजिट कीजिएगा अरुणाचल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वन लाइनर, आई होप सबको सेशन अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया रैंक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो एरिया के हिसाब से ऑल इंडिया जितने भी स्टेट हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश का जो रैंक है वो कितना रैंक है। तो वो आपका 14th रैंक है। ठीक है, इजी है, एक बार दो बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, इजी हैं, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। बाकी अब करंट अफेयर्स और अलग अलग जो जीके का सेशन है, कंप्यूटर हो गया या फिर जनरल साइंस हो गया, जो बाकी में 40 क्वेश्चन में रहेंगे, 10 क्वेश्चन तो आप कंसिडर कर ही लीजिए कि वो आपके अरुणाचल नॉलेज से होंगे, अरुणाचल प्रदेश के आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। सिक्किम का भी इंग्लिश है, नागालैंड का भी इंग्लिश है, बट आपको पता रहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का क्या है, वो है इंग्लिश है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली एज इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज इसका कौन कौन सा स्टेट है जिसका इंग्लिश है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये तीन हो गए आपके, इनका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही है में सारा काम होता है। अगला चीज़ पढ़ते हैं,
ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन टेरिटरी? कब जो था अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, वो आपका किया गया था 20 फरवरी 1972 को, ठीक है। 72 को उसको अरुणाचल प्रदेश को नेफा पहले बोला गया था, नेफा से फिर इसे हटा के यूटी में लाया गया था, फिर इसको बाद में स्टेटहुड का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन वही है, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश गेट इट्स स्टेटहुड? आपको कब मिला था? ये आपका मिला था 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो वो बेसिकली इसकी राजधानी होगी जो कि है ईटानगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन अरुणाचल प्रदेश? मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में? तो अभी तक यहाँ पे 25 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में। आई होप सो, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है, हाउ मेनी डिवीजन आर इन अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में कितने डिवीजन हैं? अरुणाचल प्रदेश में 2 डिवीजन हैं, ठीक है। 2 डिवीजन कौन कौन से हैं? एक आपका ईस्ट अरुणाचल वाला डिवीजन है और एक आपका वेस्ट डिवीजन है। तो ये 2 डिवीजन है बटा हुआ है। जैसे सिक्किम की बात करते हैं तो वो 4 डिवीजन है बटा हुआ है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 डिवीजन है, ईस्ट डिवीजन और एक वेस्ट डिवीजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, 18 नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए, हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी सेम है, लैंड ऑफ द डाउन लिट माउंटेन्स ये बोला जाता है। डाउन मतलब क्या होता है, वो मैं हूँ डाउन वाला डाउन नहीं है, ये डाउन मतलब होता है सवेरा, मतलब जहाँ से सवेरा होता है, सूरज यहीं से उगता है, तो बेसिकली इसी को बोला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन लाइनर है, 19 नंबर, विच स्टेट ऑफ इंडिया सीज फर्स्ट सनराइज? ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? अंजॉर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जगह क्या नाम है? डोंगिन, और ये कहाँ है? अंजॉर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये आपका अंजॉर डिस्ट्रिक्ट में है। और चलिए देख लेते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन डिवीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो कितने डिवीजन हो गए हैं? 13 डिवीजन है, ठीक है, 13 डिवीजन है। और अगला क्वेश्चन बताते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन वेस्ट डिवीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो वेस्ट डिवीजन में कितने हैं? 12 डिवीजन है। तो देखिए, 2 डिवीजन है बटा हुआ है, एक ईस्ट डिवीजन और एक वेस्ट डिवीजन, तो ईस्ट में कितने हो गए आपके? 13, और वेस्ट में कितने हो गए आपके? 12, 12 वेस्ट 13 ईस्ट, ये दोनों याद कर लीजिएगा, 13-12 का सवाल है। चलिए बहुत अच्छा सेशन तो मैं काफ़ी चल रहा है, और होप सो जल्दी ख़त्म करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन करवाना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। आई होप सो आप धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, सुनते जाइए याद होते जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वेस्ट में कौन है? भूटान है। ईस्ट में कौन है? म्यांमार है। और नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में आपका चाइना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं थी। ईस्ट में हो गया आपका इस साइड, ठीक है, वेस्ट, सॉरी ईस्ट इधर हो गया, इधर हो गया आपका भूटान, इधर आपका हो गया चाइना, ठीक है, इधर हो गया म्यांमार, ये तीनों हो गए अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गया बिल्कुल। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, वेस्ट हो गया, ये वेस्ट में भूटान है, ईस्ट म्यांमार, नॉर्थ, ये माई मिस्टेक। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द गोल्डन पगोड़ा लोकेटेड इन? गोल्डन पगोड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? गोल्डन पगोड़ा आपका नमसाई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज द वर्ड अरुणाचल? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये वर्ड संस्कृत वर्ड से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दो।
अब हम लोग कुछ स्टेट सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स अरुणाचल प्रदेश के लिए यूज़ होता है। बर्ड कौन सा है आपका? हॉर्नबिल है। फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड। मैमल गयाल। और ट्री कौन सा है? हॉलोंग। तो ये आपको याद रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सीट डज अरुणाचल प्रदेश हैव इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश का कितना सीट है? सिर्फ वन सीट है। याद रहेगा कि आपका राज्यसभा में वन सीट है और जो लोकसभा है उसमें दो सीट है। ठीक है, ये लोकसभा पूछा, दो सीट है। अगला क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, जो है कि 31 नंबर। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो हमने पहले ही बताया था, प्रेम खांडू तुंगन पहले थे, वो 1975 से 79 तक बने थे। अगले क्वेश्चन, विच पार्टी डिड प्रेमा खांडू तुगन बिलोंग्स टू? तो ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन थी वो अरुणाचल प्रदेश में कब लगा? तो वो आपका लगा था 3 नवंबर 1979 को 18 जनवरी तक। 3 नवंबर 1979 से 18 जनवरी तक चला था, मतलब कि लमसम 1.5 महीना के आसपास ये राष्ट्रपति जो शासन था वो चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वॉज प्रेसिडेंट रूल इम्पोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तो अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, और आपका एक स्टेट है झारखंड, जो आपका ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट इस साइड, वहाँ पे अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में ये राज्य बना था, इसके साथ में छत्तीसगढ़ भी बना था। ये सब भी आपके जीके का क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक बार लगा था। अगला क्वेश्चन 35। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हु इज द लॉन्गेस्ट? ठीक है, सबसे ज्यादा तक चीफ मिनिस्टर कौन बना है? वो कौन है? जिनोंग अपान। जिनोंग अपान जो थे वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बने थे, वो आपके लमसम 22 साल, 22 साल 8 महीने 7 दिन का उनका टेन्योर था। ठीक है, उनका टेन्योर दिया हुआ है, वो कब कब थे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि 1 18 जनवरी से वो 19 साल तक रहे थे, 1980 से 1999 तक। ठीक है, फिर 3 अगस्त 2003 से 2007 तक रहे थे, 3 साल कुछ, तो इनका टेन्योर है वो काफ़ी लंबा रहा है। तो ये आपके हैं जी जोंग अपांग। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि 36 नंबर, वन लाइनर है, ध्यान से देखिए और मन में रिकॉल कीजिए। हो सके तो एक कॉपी में आप लिख लीजिए, कि आपको बार बार रफ कर लीजिएगा, बस वो रफ को बार बार देख लीजिएगा, 1 या 2 बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द सिक्स दलाई लामा संग्यांग गात्सो बॉर्न? तो ये आपके कहाँ बॉर्न हुए थे? ये मॉन्क जो, सॉरी, ये दलाई लामा जो हैं वो तवांग में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा को बहुत वैल्यू दिया जाता है, वो तो हर जगह दिया जाता है, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, तो वो कहाँ पैदा हुए थे? पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच किंग्स बिल्ट मोस्ट ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश? तो चुटिया, चुटिया किंग्स जो हैं उन्होंने बनाया था सबसे ज़्यादा आर्कोलॉजिकल साइट्स अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चुटिया राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये बनाया था, चुटिया जगह होता है तो चुटिया के राजा ने किया था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन 38 की तरफ। व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश स्टैब्लिश्ड एज नेफा, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, नेफा का फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या हो गया? ये 1994 को स्टैब्लिश हुआ था, और कब नेफा का नाम जो था रिनेम किया गया था अरुणाचल प्रदेश के तहत, मतलब चेंज करके अरुणाचल कर दिया था, वो डेट इम्पॉर्टेंट डेट है आपका 20 जनवरी 1972 को। हु रिनेम्ड नेफा एज अरुणाचल प्रदेश? तो कौन थे वो जिन्होंने अपना जो नेफा नाम एजेंसी था उसको अरुणाचल प्रदेश कर दिया था? वो थे रिनेम करने वाले बिभा बासुदास शास्त्री और KAA राजा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ AP अरुणाचल प्रदेश? तो वो थे KAA राजा। ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी थे और इनका भी हेल्प से नेफा जो था अरुणाचल प्रदेश में तब्दील हो गया था। अब जो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था अरुणाचल प्रदेश का? वो थे भीष्म नारायण सिंह।
ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है? भीष्म नारायण सिंह। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 48 नंबर। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वो कौन थे? के ए राजा ही थे। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेसिडेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नर? तो इनको भी वही राजभवन ही बोला जाता है, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो राजभवन में रहते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं उनका राष्ट्र, वो तो आपको पता ही होगा, ईटानगर में है आपका। ठीक है, वेयर इज द किरण रिजिजू फ्रॉम? तो ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, किरण रिजिजू, ये भी किनसे हैं? या कोई भी और पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकता है कि वो कहाँ से हैं, तो ये भी किससे, कहाँ के हैं? वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। पर्सनैलिटी आपको याद दिलाऊं, आप सोचिए अरुणाचल प्रदेश से, बताइए कौन कौन है। ठीक है, बता सकते हैं नाम बताइए सबसे पहले तो, यहाँ का आप सीएम का नाम बताइए। तो प्रेमा खांडू हो गए। ठीक है, चलिए आपसे हम पूछते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो इस एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं हम आपको हम क्लियर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपका एक पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है पक्के टाइगर रिजर्व। और इसकी जो मीटिंग वीटिंग अभी हाल फिलहाल में कुछ हो रखी थी टाइगर को बचाने बचाने के लिए, तो पक्के टाइगर रिजर्व अभी थोड़े न्यूज़ में है। ठीक है, फिर आपका एक कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अरुणाचल में आपके तीन टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, एक आपका कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाइगर रिजर्व, एक नामदफा है और एक पक्के है। ठीक है, और एक बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग थोड़े से खाली पेज पे आते हैं। जैसे कि अभी जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है पापन परे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पापन परे डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो अभी तो इसको होलंगी एयरपोर्ट बोला जा रहा है, नाम देख लीजिए, होलंगी एयरपोर्ट बोला जा रहा है, ये एयरपोर्ट बन गया है। और अभी ही मतलब कि आज तो 11 तारीख हो रहा है जब ये वीडियो को शूट हो रहा है, 12 तारीख, तो और 3 दिन के बाद इस एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है? तो आप देखोगे जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वहाँ पर होता है कि वो एयरपोर्ट होता है जो कि फ्रेश बना है, मतलब कि जहाँ पर कोई आर्मी बेस नहीं हो, ठीक है, या कोई नेवल शिप ना हो, तो वैसा जो जगह होता है। ये सब आपके कौन सा एयरपोर्ट में आते हैं? ये सब ब्राउन फील्ड में जाते हैं। ठीक है, और ग्रीन फील्ड मतलब एकदम फ्रेश जगह पे होगा, तो इसलिए सब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बोला जाता है। अभी जो पापन पर जो जगह है वहाँ पर होलंगी एयरपोर्ट बन रहा है, होलंगी एयरपोर्ट बन रहा है, और इसका इनोग्रेशन जो होने वाला है वो 15 अगस्त को हो जाएगा इस बार, और ये फिर ये चालू हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक परशुराम कुंड है, ठीक है, एक परशुराम कुंड है, ये भी आपका कहाँ पे है? ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे ये तीर्थ स्थल है किसका? हिंदू पिलग्रिमेज के बारे में, मतलब हिंदू लोग का ये तीर्थ। क्यों इसको तीर्थ स्थल बोला गया है? क्योंकि परशुराम कुंड में ही क्या हुआ था, जो परशुराम भगवान थे, परशुराम का जो मतलब जो उनका फरसा जो बोला जाता है, वो यहाँ गिर गया था। ठीक है, और ये आपका कौन से, इसमें कौन सा ये रिजर्व फॉरेस्ट में आता है लोही डिस्ट्रिक्ट? ये आपका कामलेंग रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, कामलेंग रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। ये कुछ कुछ चीज़ था, और हम लोग और कुछ कुछ देख लेते हैं, पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ जो मुझे अभी कुछ रिसेंटली जो आपके न्यूज़ व्यूज़ में थे वो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, हो सके तो आप सुन रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एयर गन सरेंडर प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, एयर गन सरेंडर प्रोग्राम चलाया गया था सीएम के द्वारा। तो ये बेसिकली क्या होता है, एयर गन सरेंडर प्रोग्राम में मतलब कि यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बर्ड का शिकार विकार करने के लिए एयर गन का यूज़ करने लगे थे, तो एनवायरनमेंट को देखते हुए और थोड़ा सा सेफ्टी के लिए एक तरह का मुहिम चलाया गया था कि आप अपने जो एयर गन है उसको आप सबमिट करेंगे, और इसमें अच्छा खासा इसमें प्रोग्रेस भी हुआ है। ठीक है, और ये प्रोग्राम आपका पूछ सकता है कि कौन से जगह पे हुआ है, तो यह जगह का नाम है सिप्पा, इस सिप्पा जगह पे ये शुरू हुआ था। ये आपका कहाँ है? यह है आपका ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
इसके पूछ सकता था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि अभी यहाँ पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करवाया गया है, ठीक है। अभी यहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ है 50 साल, मतलब जो नेम जो हुआ है 72 में था ना, 1972, तो 1972 से तब 2022 हो गया ना, तो उसके 50 साल पूरे हो गए। और अभी तो हमारा 75 साल पूरा होने वाला है। हर घर झंडा वाला जो स्कीम चला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये चलेगा हर घर झंडा, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी 50 साल नाम रखे हुए हो गया। तो इसके लिए उन्होंने गोल्डन जुबली बनाया गया था, और इस गोल्डन जुबली में इस यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, वो एक हमारे सेलिब्रिटी हैं, इनको हर कोई जानता है, जिनका नाम है संजय दत्त। इनकी तो बहुत सारी मूवी भी है, अभी रिसेंटली KGF मूवी में ये विलन बने थे, तो सभी ने जानते ही होंगे। और इनकी बहुत सी मूवी में विलन बनते हैं, अब तो हीरोज के ज़्यादा ही विलन के रोल कर रहे हैं। और ये तो ऐसे कोई पार्ट नहीं है, आप बस इसको याद रखना है कि संजय दत्त सेलिब्रिटी हैं, संजू बाबा, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ये अभी रिसेंटली 15 जुबली के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इनसे भी बहुत सारा वो किया जा रहा है। और एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, इस इंडेक्स में हमारे को 13 पोजीशन मिली है, 13 पोजीशन पे हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अगले और कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं और क्या पॉइंट छूट रहा है। अभी कोई रिसेंटली में एक आपका मार्च में ही एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, ठीक है। उस कैंपेन का नाम क्या है, देखो अपना प्रदेश, ये पूछ सकता है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, देखो अपना प्रदेश ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन में क्या गया है कि लोगों को कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है आप देखिए। देखिए टूरिस्ट आने से क्या बेनिफिट होता है कि हमारा जो स्टेट का जो रेवेन्यू होता है उसमें वो हेल्प मिलता है, क्योंकि हमारे स्टेट में इतने सारे मतलब कि इतना तो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। हम लोग का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग हर जगह एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, ड्यू टू क्लाइमेट कह सकते हो कि यहाँ पे तो रिसेंटली अभी एयरपोर्ट वेयरपोर्ट मिल रहा है, यहाँ के जिसको भी आना पड़ता है उनको गुवाहाटी से वो आते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका ILP भी लगता है, तो बहुत लोग इस सब सोच के भी थोड़ा सा हमारा जो स्टेट है वो थोड़ा सा कट गया है। तो लोग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको याद करने का तरीका है, हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, इसको आओ देखो आप, तो उससे आपको याद हो जाएगा, देखो अपना प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक मिशन भी लॉन्च किया गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एजुकेशन को लेके, तो मिशन शिक्षा लाया गया है। ये भी किस लिए दिया गया है, ये एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है, ये एजुकेशन के ऊपर है, तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना था और आपको जानना चाहिए, तो उसके लिए था। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारा कुछ कुछ MCQs हैं जिससे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा स्पीसीज है जिसको अरुणाचल प्रदेश ने दोबारा रीनेम करके अपना वो रखा है, तो कौन से हैं, स्पाइडर है क्या, गीको है बी, सी टर्टल, डी बटरफ्लाई। चलो सोचो सोचो सोचो, अरे तुक्के लगा दो, याद तो हो जाएगा कि आपने क्या किस किया था, ठीक है। तो हुआ क्या है कि हमारे जो कुछ रिसर्चर हैं, इसका सही उत्तर है गीको। ये एक तरह के बेसिकली क्या है, ये एक लिजर्ड है, पूरा ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो ये लिजर्ड इन्होंने डिस्कवर किया है अरुणाचल प्रदेश के रिसर्चर ने, एक टीम है, और ये आपका क्राइटोडैक्टिलस जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये यहीं पे डिस्कवर हुआ है, और एक तरह का लिजर्ड है, इसका नाम क्या है, गेको, जीको या गेको बोलो आप, आपका प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से, बस आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक लिजर्ड है, इसका नाम है गेको, ठीक है। और जो था डिटेल्स मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन आप देख लो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन टू द ईस्ट ऑफ नेपाल इन अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ ईस्ट ऑफ नेपाल इन द अरुणाचल प्रदेश, तो कौन सा यहाँ पे फॉरेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपके इस तरह है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है क्या, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। बी ऑप्शन में जाइए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तीसरा है सब ट्रॉपिकल डे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। या चौथा है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो हमारा जो है नॉर्थ के साइड, इस साइड ईस्ट रीजन से सटा हुआ है, तो
वो क्या है आपका, माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन विथ टेम्परेचर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको लमसम में नीलगिरी हिल्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स को कंपेयर किया गया है माउंटेन विथ टेम्परेचर्स को, चूंकि इसका बाउंड्री को वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो ये आपका माउंटेन विथ टेम्परेचर फॉरेस्ट आएगा। अगला जाते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो काफ़ी अच्छा है कि आप इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कुछ कुछ रीअरेंजमेंट करना है, जैसे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर टफ करेगा ना तो इस तरह से कर सकता है कि कह देगा कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, मतलब फॉरेस्ट कवर का जो परसेंटेज है वो किसका ज़्यादा है, मिजोरम है कि मेघालय है कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3 2, 2 1 3 या 3 1 2। देखो, 1 में हमारा मिजोरम है, 2 में मेघालय है, 3 में अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लोग सोचो, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है मेघालय में, तो इसका सबसे कम कहाँ है, मिजो में। तो देखो, मिजो से बड़ा अरुणाचल, अरुणाचल से बड़ा मेघालय, तो बेसिकली बता दे रहे हैं कि मिजोरम जो है, देखो मिजोरम में है, मिजो में है कितना, 85%, मतलब ऑलमोस्ट 85%, ठीक है, 85.4 है कुछ, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 79.6 कुछ है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% है। और आपका मेघालय में कितना है, ये आपका 76% है, 76.33 है, और ये आपका 63 है। तो देखो, सबसे कम किस में हो गया, मिजो में, मतलब उसके बाद एपी और उसके बाद मेघालय, तो क्या हो गया, 1 3 2, समझ में आया, सबसे ज़्यादा हो गया मिजो में। ओके, शायद मैंने कुछ गलत बताया, तो थोड़ा सा सही कर लेना इसको, मिजो में 85% है, अरुणाचल प्रदेश में 79 है, और मेघालय में 76.33% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 4 5 क्वेश्चन रह गए हैं, कर लेते हैं इसको भी। देखो, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, ठीक है, पासेस आर देयर लोकेटेड इन द करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच किया है, ठीक है, क्या दिहांगला सिक्किम में है, नाथुला अरुणाचल में है, लिपुलेख एक उत्तराखंड में है, कौन सा सही है। देखो, दिहांग तो है नहीं यहाँ, ठीक है, नाथुला भी नहीं है, ठीक है, तो यहीं है ऊपर में, ये अरुणाचल तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पास नहीं है, यहाँ तो बोमडिला पास है ना, और लिपुलेख पास कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, बिल्कुल, एक पास आपका क्या है, यूके में है। देखो, कुछ कुछ बात कर लो, जैसे कि और कौन कौन से पास हैं, एक लिपू लेक हो गया, ठीक है, दूसरा है उत्तराखंड का, और कौन सा पास है, ठीक है, माना पास है एक, ठीक है, एक नीति पास है, नीति या फिर नीति पास, ठीक है, ये नीति पास है यूके में, इसको कैसे याद करोगे आप, मा ली नी, ठीक है, मा ली नी, हेमा मालिनी से आप याद कर लो, मालिनी, माँ से माना पास, ली से लिपू लेक, और नी से नीति पास, ये तीनों कहाँ के हैं, उत्तराखंड के पासेस हैं, ठीक है। आपको अलग से पासेस के भी वीडियो में बना के दे दूंगा, बट अभी उतना तो समय नहीं है हमारे पास, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम लोग कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। ये वो बहुत कि वेन डिड द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मतलब नेफा एजेंसी बिकम द यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये कब बना था, ठीक है, तो आपको तो पता ही है, अब तो इसके 22 50 साल सिल्वर जुबली मना के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये तारीख भी पता है हमें, 20 जनवरी को बनी थी, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको तो याद ही होगा। तो 20 जनवरी 1972, 1972 को ये बना था, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था उस टाइम पे क्या था वो भी पता कर लो, उस टाइम पे था शिलोंग, इसका हेडक्वार्टर बना था, ठीक है। बाद में जब 74 में क्या हुआ था, 74 में इसका हेडक्वार्टर ईटानगर हो गया था, 74 में, क्वेश्चन बन सकता है कि पहले क्या था, तो पहले शिलोंग था, बाद में क्या हो गया, ईटानगर हो गया, ठीक है। और 20 फरवरी 1987 में क्या हुआ था, इसको स्टेट का, स्टेटहुड का दर्जा मिला था, ठीक है, 1987 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था, ठीक है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश, मैंने करवा रखा है, पता है मैंने, रोहतांग नहीं है, बारालाचा नहीं है, सिपलीका नहीं है, तो ये कौन सा बच रहा है आपका, बोमडिला, बोमडिला पास है, सो सिंपल। और बोमडिला का रंग कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या, हाँ, बोमडिला 2400
15 मीटर पे है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट कैमेंग डिस्ट्रिक्ट है और ये 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ये भी एक है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बोमडिला के पास में है। और बोमडिला में ऑल इंडिया रेडियो रिले स्टेशन खोला गया है जिसको आकाशवाणी बोमडिला कहा गया है, और ये FM फ्रिक्वेंसी पे चलता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया ना, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको याद कर लेना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट लिख लो, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आने हैं, मैं एक दो वीडियो और बना दूंगा, एकदम पूरा कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, लीका पानी, सोना पानी और दिहांग, ठीक है। यह है तो इसमें से कौन कौन सा है, तो देख लो इसमें से ना आपका सोना पानी छोड़ के ना तीनों हैं, ठीक है, यही नहीं है यहाँ पे। बोमडिला है, लीका पानी है और दिहांग है, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये है तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1, 2 और 4, ये अरुणाचल प्रदेश में 1, 2 का 4, ठीक है। तो ये हो गया। और आप जैसे मान लो तो पूछ दिया कि ये सोना पानी कहाँ है, जहाँ सोने का पानी मिलता है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। ये कहाँ है ये ग्लेशियर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आपका एकदम नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में है। और ये कौन से रीजन में पड़ता है, ये आपका पीर पंजल रीजन में आता है, ठीक है, ये आपका पीर पंजल रीजन में है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज यहीं एंड करते हैं सेशन को, ठीक है, आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी अरुणाचल प्रदेश SSB या फिर अरुणाचल प्रदेश PSC के जो भी होंगे उस तरफ के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैं करंट के सेशन भी ले आऊँगा जो कि इसी पे हैं, और अरुणाचल प्रदेश पे और भी अगर वीडियोस मैं बनाऊँगा जिस तरह के आपके रेस्पॉन्स आएंगे, कमेंट आएंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो आप इसे जुड़ें, कमेंट करें, आपको किस तरह का समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या डाउट है, या फिर कोई भी सेशन है जिस तरह से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस तरह से खुद को इम्प्रूव करूँ। मैं जनरली ऑनलाइन पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने कोशिश किया था कि मैं थोड़ा पढ़ा दूँ, मैं ऑफलाइन ही प्रीफर करता था, बट अब मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तो आई होप सो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, ख़त्म करते हैं इसको, ओके।